हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो है चना दाल का पकौड़ी। चना दाल का पकौड़ी के लिए हमने रात को चना दाल भिगो लिया था और देखिए अभी अच्छा सा फूल गया है। तो इसे अच्छे से हम धो लेते हैं। धोने के बाद फिर हम इसे अच्छे से मिक्सर में पीस लेंगे। तो पहले हम चना दाल धो लिए हैं, अब पीसना स्टार्ट करते हैं। इसमें डालेंगे कुछ लहसुन के कलियाँ, सात आठ हरी मिर्च। आप अपने तीतेपन के अकॉर्डिंग जितने आपको जितनी तीखी चाहिए उतनी हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो देखिए हमने हरी मिर्च, लहसुन और चना दाल का अच्छा पेस्ट बना लिया है। अब इसे एक बर्तन में हम निकालेंगे और अब इसमें हम पकौड़ी बनाने के लिए बाकी सब सामान ऐड करेंगे, जो है कटा हुआ प्याज। बाइंडिंग के लिए हमने 2 चम्मच बेसन लिया है ताकि पकौड़ी जब बने तो खुले ना, तो 2 चम्मच के हिसाब से आप बेसन। अब इसमें डालेंगे हम नमक, नमक स्वाद अनुसार। फिर धनिया पाउडर डालेंगे और मैंने हरी मिर्च लिया था इसलिए थोड़ा कम लाल मिर्च पाउडर लेंगे। टर्मरिक पाउडर लेंगे और इसमें हम काली मिर्च और जीरा पाउडर लेंगे। थोड़ा सा इसमें अजवाइन मंगरेल डालेंगे अच्छा फ्लेवर आने के लिए। और इन सबको अब अच्छे से हम मैश करेंगे। इन सब का अच्छा सा एक पेस्ट तैयार करेंगे और देखिए ये पेस्ट रेडी हो गया। अब हम तलना शुरू करते हैं। तलने के लिए इधर हमारी तेल गर्म हो चुकी है। तो तेल गर्म हो चुकी है, अब इसमें एक एक करके हम पकौड़ी अब डालना शुरू करेंगे। पकौड़ी धीरे धीरे डालेंगे ताकि बेसन का तो है नहीं, ये चने दाल का है, तो थोड़ा धीरे डालेंगे ताकि खुलने का डर ना रहे, नहीं तो जल्दी जल्दी डालने से ये फैलने लगती है कढ़ाई में ही। और ऐसे ही करके हमने सारे पकौड़ी डाल दिए। अब इसको कम आंच में पकाएंगे, गैस का फ्लेम थोड़ा कम रखेंगे और अच्छे से पकाएंगे। अब इसे हम पलटना शुरू करेंगे, एक एक करके सारी पकौड़ियां पलट देंगे। तो देखिए सारी पकौड़ी हमने पलट डाली। अच्छे से लाल होने तक तलेंगे और देखिए हमारी पकौड़ी बनके रेडी हो गई। अब हम एक एक करके सारे पकौड़ी निकाल लेंगे। तो देखिए सारे पकौड़ी हमने निकाल लिया है। अब देखिए कितनी बेहतरीन पकौड़ी बन के रेडी हुई है, लग रही है ना क्रिस्पी एंड क्रंची। ऐसे ही बाकी जो पेस्ट बचा है उसको भी हम लोग फिर से एक एक करके धीरे धीरे सारे पकौड़ी फिर से डालेंगे। सारे पकौड़ी एक एक करके हमने डाल दिया और इसे भी फिर हम धीरे धीरे वैसे ही पलट के और लाल होने तक इसको भी वैसे ही पकाएंगे। देखिए बाकी पकौड़ियां भी बनके रेडी हो गई और इसे भी हम एक एक करके सारे पकौड़ियाँ फिर से ऐसे ही निकाल लेंगे।
तो देखिए हमारी पकौड़ी सारे बन के रेडी हो गए। तो हमारे रेसिपी देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी अच्छे अच्छे रेसिपी मैं शेयर करूँगी।